गाइस, अब ऐश और सरीना शादी करके अपने नए घर में बस गए थे। सब कुछ सही चल रहा था। तो यार, नया दिन शुरू होता है, सब कुछ नॉर्मल था। ऐश सुबह उठता है, पिकाचू भी उठ जाता है। ऐश और पिकाचू की यह आदत है कि वो दोनों सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐश और पिकाचू अपने गार्डन में एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं। सरीना भी उठती है, वो अपना मुंह पानी से धुलती है और फिर ऐश और पिकाचू के लिए नाश्ता बनाने लगती है। गार्डन में ऐश और पिकाचू एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी पिकाचू एकदम से चौकन्ना हो जाता है। ऐश को लगा कि कोई वहाँ पर है, जिससे पिकाचू डर रहा था। ऐश बगल में झाड़ियों में देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर ऐश हंस के कहता है, पिकाचू जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन पिकाचू को लग रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। वो दोनों सुबह की एक्सरसाइज करने के बाद घर में जाते हैं तो ऐश सरीना से कहता है, सरीना ब्रेकफास्ट कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। ऐश फिर से बोलता है, सरीना कहाँ हो तुम, नाश्ता ले आओ। लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐश पिकाचू से कहता है, पिकाचू जाओ किचन में देखो सरीना कहाँ पर है। पिकाचू किचन में जाता है लेकिन वहाँ सरीना नहीं थी। पिकाचू ऐश से कहता है कि वहाँ पे सरीना नहीं है। ऐश वहाँ दौड़ के जाता है तो किचन खाली था। ऐश और पिकाचू सरीना को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं थी। ऐश और पिकाचू को कोई आइडिया नहीं था कि सरीना कहाँ गई है। ऐश तभी बाहर घर से निकलता है तो उसे दिखता है कि गार्डन में एक अनजान आदमी खड़ा है। ऐश उससे पूछता है, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। ऐश से कहता है, समय का खेल है भाई। ऐश कहता है, समय का खेल, मुझे नहीं समझ आया, प्लीज़ मुझे अच्छे से बताइए। ऐश को लगा कि वो आदमी ऐश की मदद कर सकता है जानने के लिए कि सरीना कहाँ गई है, क्योंकि जब सरीना वहाँ से गायब हुई तभी वो आदमी वहाँ पर आया। ऐश उस आदमी को अंदर बुला लेता है। वो आदमी ऐश से कहता है, ऐश शायद तुम्हारे पास एक पोकेबॉल होगा जिसमें तुमने एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को पकड़ा था। ऐश को तुरंत याद आता है कि जब वो अपने पापा को ढूंढने के लिए उस आइसलैंड से जाता है तो उसने एक कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन पकड़ा था। ऐश तो उस पोकेबॉल को बहुत संभाल के रखा था। ऐश उस पोकेबॉल को लाने के लिए अपने कमरे में जाता है लेकिन वो पोकेबॉल वहाँ नहीं था। ऐश तुरंत उस आदमी से कहता है, भाई वो पोकेबॉल यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखा था। ऐश को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसी पोकेबॉल में से जो मिस्टीरियस पोकेमॉन निकला था वही सरीना को कहीं गायब किया है। ऐश फिर सोचने लगता है कि सरीना को कैसे वापस लाऊंगा। फिर वो अनजान आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, ऐश मेरा नाम सातुको है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुन के ऐश और पिकाचू एकदम शॉक में हो जाते हैं क्योंकि कोई आदमी फ्यूचर से कैसे आ सकता है। सातुको ऐश से कहता है, मुझे पता था कि ये दिन एक ना दिन आएगा। ऐश सातुको से पूछता है, तो हम लोग सरीना को उस मिस्टीरियस पोकेमॉन से कैसे छुड़ाएंगे? मैंने तो उसे अभी तक देखा तक नहीं है और वो पता नहीं सरीना को ही क्यों किडनैप करके ले गया है। सातुको ऐश से कहता है, ऐश मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ फ्यूचर से। सातुको ऐश से ये भी कहता है कि वो मिस्टीरियस पोकेमॉन एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और उसका उद्देश्य यह है कि वो इस पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर ले और उसका कोई डिफिनेट रूप नहीं रहता है। वो सबसे बचने के लिए अपना रूप बदलता रहता है जैसे वो डिटो पोकेमॉन बदलता है अपना रूप। ऐश सातुको से ये पूछता है, तो उसने सरीना को क्यों किडनैप किया, मुझे क्यों नहीं कर लिया? फिर सातुको ऐश से कहता है, थोड़ा आराम से ऐश, अभी हम लोग अगर घबराएंगे तो हम लोग ये हार मान जाएंगे, हम लोग को इसको सोच समझ के हराना पड़ेगा। सातुको ऐश को एक्सप्लेन करता है कि ऐसी अभी इस पूरे वर्ल्ड में है जो उस पोकेमॉन को हरा सकता है, इसलिए उस मिस्टीरियस पोकेमॉन ने पहले ऐश की वाइफ यानी सरीना को ही किडनैप किया है कि वो ऐश को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। सातुको फ्यूचर से इसलिए आया था क्योंकि उसने फ्यूचर में ये देखा था कि अगर हमने उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को नहीं हराया तो वो ये प्लैनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऐश उससे पूछता है, उस मिस्टीरियस पोकेमॉन का आखिर नाम क्या है? सातुको बताता है, जारुमा का जेम। वो ऐश को ये भी बताता है कि जारुमा का जेम के पास एक मिस्टीरियस पावर है जो किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं होती है। ऐश पूछता है, ऐसी क्या पावर है? सातुको ऐश से बताता है कि जारुमा का जेम के पास एक ऐसी गैस है जो पर्पल कलर की है और अगर वो हमारे नॉर्मल पोकेमॉन इनहेल कर लेते हैं तो हमारे पोकेमॉन जारुमा का जेम के वश में आ जाते हैं और हमारे पोकेमॉन हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए जारुमा का जेम एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है और उसे हराना कोई आसान बात नहीं। सातुको ऐश से कहता है, ऐश तुम घबराओ मत, हम लोग सरीना को जरूर छुड़ाएंगे। तभी बाहर शोर होने लगता है, लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। ऐश पिकाचू और सातुको भी बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रिमसनलाल पोकेमॉन था। वो जारुमा का जेम का एक बंदा था। वो आके यहाँ सबको चेतावनी दे रहा था कि अगर सब लोग अपने सारे पोकेमॉन्स उनकी टीम में नहीं डालेंगे तो वो जारुमा का जेम सबको मार देगा। फिर वो बड़ा सा ग्रिमसनलाल पोकेमॉन वहाँ से गायब हो जाता है। ऐश कहता है, अब तो हमें
बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके लिए स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। सातु को ऐश और पिकाचू से कहता है, ऐश तुम चिंता मत करो, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हमें इस मिस्टीरियस पोकेमॉन से कैसे लड़ना है उसकी स्ट्रेटजी पता लग सकती है। ऐश सातुको से हाथ मिलाता है और ऐश कहता है, आज से हम लोग पक्के यार हैं। सातुको कहता है, जरूर चलो, हमें बहुत तैयारी करना है, इस दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है। सातुको ने ऐश को जारुमा का जेम के बारे में ये बताया था कि वो एक पर्पल कलर की गैस छोड़ता है जो अगर कोई कॉमन पोकेमॉन इनहेल कर ले तो वो उसके वश में आ जाता है। यानी यार एक तरह से वो अपने ट्रेनर की बात नहीं सुनता। ऐश कहता है, सातुको तब तो उसे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सातुको ऐश से कहता है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ऐश कहता है, लेकिन यार हम लोग उसे हराएंगे कैसे? सातुको कहता है, बस देखते रहो और कल सुबह तुम लोग जल्दी उठ जाना, हम लोगों को कहीं जाना है। फिर सातुको सोने चला जाता है। ऐश भी पिकाचू के साथ अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसे बार बार सरीना की चिंता लग रही थी। ऐश मन ही मन कहता है, सरीना मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सुबह होती है, ऐश सातुको और पिकाचू उठते हैं। सातुको ऐश से कहता है, चलो ऐश अब बस मेरे पीछे आते रहो। ऐश और पिकाचू को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि सातुको उन दोनों को कहाँ ले जा रहा है। ऐश बार बार सातुको से पूछता है, मगर ये तो बताओ हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सातुको उन दोनों को एक जंगल की तरफ ले जा रहा था। ऐश को सातुको पे यकीन था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद वो तीनों लोग एक सुनसान जंगल के रास्ते से चल रहे थे। तभी ऐश को झाड़ियों में एक अजीब सा पिकाचू दिखता है और ऐश का पिकाचू भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऐश तुरंत सातुको से पूछता है, सातुको वो देखो उस पिकाचू को क्या हुआ है? सातुको ऐश से कहता है, ऐश ये बेचारा पिकाचू जारुमा का जेम के पर्पल गैस के वश में आ गया है। सातुको ऐश से कहता है, ऐश हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन जारुमा का जेम के वश में आने लगेंगे। फिर दोपहर के 2 बज रहे थे। सातुको ऐश और पिकाचू को जंगल के बीच में लाया था। सातुको कहता है, ये देखो ऐश। ऐश और पिकाचू बिल्कुल शॉक्ड थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पुराना सा जंगल टेम्पल था। सातुको ऐश से कहता है, आराम से आना ऐश, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तुम्हारा पैर इनमें लग के फंस सकता है, तो इसलिए आराम से आना। ऐश और पिकाचू उस टेंपल के बड़े से मेन डोर की तरफ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना टेंपल लग रहा था। ऐश पूछता है, सातुको ये कितना पुराना टेंपल है? सातुको बताता है, यही कुछ 7,000 साल पुराना है ये। ऐश वहाँ ये देखता है कि उस टेंपल की वॉल्स पे अलग अलग तरह के आर्ट बने थे जो लग रहा था एंशियंट लोगों ने बनाया है, और उसका सिंबल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे वो कुछ बताना चाह रहे हों लेकिन ऐश उसे नहीं समझ पा रहा था। सातुको ऐश को बताता है, ऐश ये टेंपल का नाम है डोर टू हेल, यानी नरक का दरवाज़ा। यहाँ उन सारे दुष्ट पोकेमॉन्स को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा दहशत मचाते हैं, और उनको मायावी शक्तियों से यहाँ कैद किया जाता है। तभी वहीं बगल में एक बूढ़ा सा मॉन्क मेडिटेशन कर रहा था। वो बहुत अच्छे से शांति से बैठा हुआ था। सातुको बोलता है, मास्टर ज़ेन मैं आ गया। वो बूढ़ा मॉन्क आंखें खोलता है। वो कहता है, ओ तुम आ गए सातुको। सातुको मास्टर ज़ेन को ऐश से मिलाता है। मास्टर ज़ेन कहते हैं, अच्छा यही है वो मास्टर ऐश जो दुनिया का सबसे खतरनाक पोकेमॉन ट्रेनर है? ऐश कहता है, जी हाँ आपने सही कहा। फिर वो मॉन्क टेंपल के अंदर जाने लगता है। सातुको ऐश से कहता है, ऐश मेरे पीछे आओ। ऐश सातुको से पूछता है, सातुको ये मास्टर ज़ेन की उम्र कितनी होगी? सातुको बताता है, ऐश मास्टर ज़ेन बहुत ही पुराने मॉन्क हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे दादा बताया करते थे कि मास्टर ज़ेन ने ही ये टेंपल बनवाया है। मास्टर ज़ेन एक बड़े से पुराने हॉल में ऐश और सातुको को लाते हैं। वो बिल्कुल पुराना टेंपल था, हर तरफ पेड़ों की बेलें लटक रही थी, बहुत ही पुराना लग रहा था। मास्टर ज़ेन फिर अपने बारे में ऐश को बताते हैं, ऐश मैं इस टेंपल को बनवाया हूँ और मैं इस टेंपल में कई हजारों सालों से रह रहा हूँ। ऐश उनसे पूछता है, आपने इस टेंपल का नाम नरक का दरवाज़ा ही क्यों रखा? मास्टर ज़ेन बताते हैं, देखो इस दुनिया में कई ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो गलत काम करती हैं, और उनमें से मैंने कईयों को नरक में भेजा है। ऐश पूछता है, आखिर आप नरक में उन्हें भेजते कैसे हैं? मास्टर ज़ेन हंस के कहते हैं, ये तो मेरी मायावी शक्तियों का कमाल है। सातुको जो अब तक चुपचाप ऐश और मास्टर ज़ेन की बातें सुन रहा था, बोलता है, मास्टर ज़ेन हमें एक बुरी पोकेमॉन शक्ति को
कैद करना है, जिसकी पावर ये है कि वो अपने गैस से किसी भी पोकेमोन को अपने वश में कर लेता है। मास्टर जेन शौक में थे। वो कहते हैं, मुझे पता था कि जारुमा का जेम किसी ना किसी दिन नरक से भाग जाएगा। मैं शौक में उनसे पूछता है, मास्टर जेन आप जारुमा का जेम को कैसे जानते हैं? मास्टर जेन कहते हैं, वो अभी तक सबसे खतरनाक बुरी शक्तियों में से एक है और उसे मैंने एक बार नरक में डाल भी चुका है, लेकिन वो वहाँ से भाग आया था। सातुको मास्टर जेन से कहता है, मास्टर कोई तो सॉल्यूशन होगा उसे हराने का? मास्टर जेन कहते हैं, हाँ एक सॉल्यूशन है। मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया के चारों एलिमेंट्स के एटॉमिक स्टोन को एक जगह ला दे तो उसे इतनी पावर मिल जाएगी कि वो इस दुनिया के कोई भी बुरी शक्ति को एक बार में ही हरा सकता है। ऐश पूछता है, कौन से हैं वो चार एलिमेंट्स? मास्टर जेन बताते हैं, आग, हवा, पानी और पौधे। ऐश तभी कहता है, ठीक है मैं उनके एटॉमिक स्टोन ला कर रहूँगा। सातुको कहता है, ऐश मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मास्टर जेन ऐश से बस एक बात कहते हैं, सबके एटॉमिक स्टोन्स उनके कोर में रहते हैं। फिर मास्टर जेन मेडिटेशन में चले जाते हैं। ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो एटॉमिक स्टोन्स मिलेंगे कहाँ, लेकिन डरने की बात नहीं थी क्योंकि सातुको जो था। सातुको ऐश से कहते हैं, ऐश मुझे सब समझ आ गया, अब कमर कस लो, हमें चार बड़े एडवेंचर्स पे जाना है। ऐश सातुको से पूछता है, ये सारे एटॉमिक स्टोन्स हम लोग इतनी जल्दी कैसे कलेक्ट करेंगे? सातुको ऐश से कहता है, ऐश हमें हवा, पानी, आग और ग्रास के एटॉमिक स्टोन्स चाहिए, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के चारों नेचुरल एलिमेंट्स के एटॉमिक स्टोन्स हम लोगों को कलेक्ट करना होगा। ऐश कहता है, लेकिन यार ये सारे मिलेंगे कहाँ? सातुको कहता है, हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स के लेजेंडरी पोकेमोन के पास जाकर उनसे वो एटॉमिक स्टोन्स लेना पड़ेगा। सातुको कहता है, ऐश मेरे पीछे पीछे आओ। सातुको ऐश को उसी जंगल के और घने पार्ट में ले जाता है। ऐश और पिकाचू ये देखते हैं कि अचानक से वो जंगल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने लगा था। तभी सातुको ऐश और पिकाचू को एक पत्थर के पास लाता है और कहता है, तुम दोनों इस पत्थर पे अपना हाथ रखो। ऐश और पिकाचू को कुछ आइडिया ही नहीं था कि यार सातुको ये सब उनसे क्यों करा रहा है। ऐश और पिकाचू उस पत्थर पे अपना हाथ रखते हैं तो वो जंगल बिल्कुल जगमगाने लगता है। और फिर आसमान से कोई पोकेमोन आ रहा था। पिकाचू ऐश को इशारा करके दिखाता है। ऐश देखता है कि वो पोकेमोन कोई और नहीं, जंगल की रानी थी सेलेबी, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है। सातुको ऐश को बताता है कि यार ऐश ये है सेलेबी और ये हमें ग्रास एलिमेंट का एटॉमिक स्टोन दे देगी। फिर सातुको सेलेबी से कुछ टेलीपैथी में बात करता है और फिर सेलेबी ऐश को ग्रीनरी एलिमेंट का एटॉमिक स्टोन उसके हाथ में दे देती है। फिर सातुको ऐश से कहता है, ऐश ऐसे ही हमें वाटर, फायर और विंड के एटॉमिक स्टोन्स कलेक्ट करने होंगे। फिर ऐश, पिकाचू और सातुको उस जंगल से बाहर निकलते हैं। सातुको ऐश से कहता है, ऐश अब वाटर का एटॉमिक स्टोन लेने की बारी है। ऐश और पिकाचू जैसे ही एक बार पलक झपकाते हैं तो वो लोग एक ओशन के अंदर अपने आप को पाते हैं। वो लोग ये नोटिस कर रहे थे कि यार वो लोग बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। ऐश सातुको से पूछता है, सातुको हम लोग पलक झपकाते ही यहाँ कैसे आ गए? सातुको ऐश और पिकाचू को बताता है, ऐश शायद तुम भूल रहे हो कि यार मैं फ्यूचर से आया हूँ और मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। ऐश कहता है, ओ ऐसी बात है, लेकिन तुम हम लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? सातुको बताता है, बस देखते जाओ। सातुको ऐश से बोलता है, यहाँ पर हम लोगों को वाटर एलिमेंट का एटॉमिक स्टोन मिलेगा। फिर सातुको एक शंख बजाता है और सामने से एक बड़ा सा पोकेमोन आ रहा रहता है। वो बड़ा सा पोकेमोन कोई और नहीं, पानी का बादशाह और राजा लुगिया था। सातुको लुगिया से टेलीपैथी के जरिए बात करके वाटर का एटॉमिक स्टोन भी ले लेता है। फिर ऐश कहता है, अब बस दो एटॉमिक स्टोन और बचे हैं, फिर हम लोग जारुमा का जेम को हरा के सरीना को छुड़ा लेंगे। फिर सातुको ऐसे ही टेलीपोर्ट कर करके ग्रूडॉन, जो कि एक लेजेंडरी फायर टाइप पोकेमोन का बादशाह है, उससे फायर एटॉमिक स्टोन ले लेता है। और रेक्वाजा, जो कि एटमॉस्फेयर का बादशाह है, उससे टेलीपैथी के जरिए बात करके विंड एलिमेंट का एटॉमिक स्टोन ले लेता है। ऐश सातुको से पूछता है, सातुको अब हम लोगों ने नेचर के चारों एलिमेंट के एटॉमिक स्टोन्स जमा कर लिए हैं, अब हम लोगों को आगे क्या करना होगा? तभी वहाँ पर जारुमा का जेम आ जाता है एकदम से। वो कहता है, अब तुम लोगों का समय ख़त्म हो चुका है, अब मैं प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ और सरीना को भी मार दूंगा। तभी सातुको जल्दी से वो नेचर के चारों एलिमेंट्स के एटॉमिक स्टोन्स को मिलाता है और उसमें से लाइट चमकने लगती है। जारुमा का जेम अपनी शक्तियों से डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। वो चारों एलिमेंट्स के एटॉमिक स्टोन्स के अंदर से जो लाइट निकल रही थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और पूरा स्क्रीन एकदम वाइट हो जाता है, किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐश अपनी आँखें खोलता है तो वो
अपने बेड पे पाता है। ऐश बिल्कुल कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उस समय सब चीज़ नॉर्मल था, सरीना भी घर पर थी, बिल्कुल खुशी का माहौल था। ऐश चिल्लाता है, सातुको सातुको तुम यहाँ कहाँ हो? सातुको टेलीपैथी के जरिए ऐश को बताता है। सातुको ऐश से कहता है, ऐश जैसे ही मैंने वो चारों एटॉमिक स्टोन्स को एक किया तो पूरा समय पलट गया था और तुम अभी उस दिन में हो जब सरीना किडनैप हुई थी और उसी दिन वो मिस्टीरियस पोकेबॉल में से जारुमा का जेम की शक्ति निकली थी। लेकिन सातुको ने मिस्टीरियस पोकेबॉल जिसमें जारुमा का जेम था उसे पहले ही उठा लिया था, तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर सातुको सारी चीज़ फिर से नॉर्मल कर देता है, जारुमा का जेम की आत्मा को भी वो मार देता है। अब सरीना, ऐश और पिकाजू अपनी खुशहाल लाइफ फिर से जीने लगे थे।